वह स्वयं ही धनुष एवं बाण चलाने वाला है। वह बड़ा बुद्धिमान, सुंदर रूप एवं चतुर है। वह स्वयं ही कहने वाला, वक्ता एवं श्रोता है और सब उसकी ही रचना है। पवन जगत का गुरु है, पानी पिता है और उदर के संयोग से धरती जगत की माता है। रात और दिन दोनों दाई दाया हैं और समूचा जगत इनके खिलाने से खेल रहा है। मछली एवं फांसने वाला जाल परमात्मा ही है। वह स्वयं ही गाय और स्वयं ही रखवाला है। हे ईश्वर, सब जीवों में तेरी ही ज्योति है। जैसी तेरी आज्ञा है दुनिया वैसे ही चल रही है। योगी भोगी रसैया एवं परम संयोगी भी वही है और निरंकार निर्भय परमात्मा ने स्वयं ही समाधि लगाई हुई है। हे सर्वेश्वर, अंडज जरज स्वेदज उद्भिज चारों स्रोत्र एवं चारों वाणियां तुझ में ही समाई हुई है। जो भी दृष्टिमान है सब नाशवान है। जिन्हें सतगुरु ने ज्ञान प्रदान किया है वही सत्य के व्यापारी एवं साहूकार है। पूर्ण सतगुरु ही शब्द का रहस्य बतलाता है कि ईश्वर सर्व कला संपूर्ण है। हे ईश्वर, तू बेपरवाह एवं मन वाणी से परे है और तुझे तिल मात्र भी कोई लालच नहीं। जो व्यक्ति मन में सहज ही शब्द का रस प्राप्त करता है उसे देखकर भयानक काल भी भाग जाता है। जिसके मन को भगवान की भक्ति भाग गई है वरदाता परमेश्वर ने प्रसन्न होकर मुक्ति तृप्ति प्रदान की है। हे परमात्मा, तू स्वयं ही निर्लिप्त रहता है पर तेरा ज्ञान गुरु की संगत करने से ही होता है। जो कुछ भी दिखाई देता है वह तुझ में ही विलीन हो जाता है। नानक, स्वयं को निमन मानते हुए सत्य के द्वार पर भिक्षा मांगते हैं कि उसे नाम दान की बड़ियाई दीजिए। मारू महला पहला, आपे धरती धौल आकाश, आपे साचे गुण परगास, जति सती संतोखी आपे, आपे कार कमाई है। जिस करणा सो कर कर वेखे, कोई न मेटे साचे लेखे, आपे करे कराई, आपे आपे दे बड़ियाइया है। पंच चोर चंचल चित चाल है, पर घर जो हो घर नहीं भाड़ है। काया नगर ढह ढह ढेरी, बिन शब्दे पत जाई है। गुरते बुझे त्रिभवन सूझे, मनसा मार मने सिउ लूझे। जो तुद सेवै से तुद ही जेहे, नरभव बाल सखाई है। आपे स्वर्ग मछ प्याला, आपे ज्योत स्वरूपी बाला, जटा विकस विकराल स्वरूपी, रूप न रेख्या काई है। वेद कते भी भेद न जाता, ना तिस मात पिता सुत भ्राता, सगले सैल उपाय समाए, अलख न लखना जाई है। कर कर थाकी मीत घनेरे, कोई न काटे अब गुण मेरे। सुर नर नाथ साहिब सभना सिर, भाई मिले भव जाई है। भूले चूके मार्ग पावह, आप भुलाई तू है समझावह। बिन नावे मैं अंबर ना दिसे, नावह गत मित पाई है। गंगा जमुना केल के दारा, काशी कांति पुरी द्वारा, गंगा सागर बैणी संगम, 68 अंक समाई है। आपे सिद्ध साधिक विचारी, आपे राजन पंचाकारी, तख्त बहे अदली प्रभ आपे, भर्म भेद भव जाई है। आपे काजी आपे मुल्ला, आप अभूल न कबहू भुल्ला, आपे मेहर दया पत दाता, ना किसे को बेराई है। जिस बक्से तिस दे बड़ियाई, सबसे दाता तिल न तमाई। भरपूर धार रहया निह केवल, गुप्त प्रगट सब ठाई है। किया सलाही अगम अपारे, साचे सृजन हार मुरारे। जिसनो नदर करे तिस मेले, मेल मिले मिलाई है। ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारे, उभे से वह अलख अपारे। होर केती दर्द से बिल लादी,
मैं गणत न आवे काई है, साची कीरत साची वाणी, होर न दिसे वेद पुराणी, पूंजी साच सच्चे गुण गावा, मैं धर होर न काई है, जुग जुग साचा है भी होसी, कौन न मुआ कौन न मरसी, नानक नीच कहे बेनती, दर देख लिबलाई है, धरती धर्म रूपी बैल एवं आकाश स्वयं ईश्वर ही है, उस परम सत्य ने स्वयं ही अपने गुणों का प्रकाश किया है, ब्रह्मचारी सदाचारी संतोषी भी वही है एवं स्वयं ही कार्य कर रहा है, जिसने यह जगत बनाया है वही उसकी देखभाल करता है, उस परम सत्य द्वारा लिखे कर्मा लेख को कोई नहीं मिटा सकता, वही करता एवं जीवों से करवाता है और स्वयं ही भक्त जनों को बढ़ियाई देता है, काम क्रोध रूपी पांच चोर आदमी के चंचल मन को चलायमान कर देते हैं, वह प्राय नारी की ओर देखता रहता है किंतु अपने घर की तलाश नहीं करता, मानव शरीर रूपी नगरी का अंत हो जाता है और शब्द गुरु के बिना जीव अपनी प्रतिष्ठा गवा देता है, जो गुरु द्वारा सत्य का रहस्य बूझ लेता है उसे तीनों लोकों का ज्ञान हो जाता है, वह अपनी अभिलाषा को मार कर मन में जूझता रहता है, हे ईश्वर जो तेरी भक्ति करते हैं वे तेरा ही रूप बन जाते हैं, तू निर्भय एवं बचपन का साथी है, सर्वलोक मृत्यु लोक एवं पताल लोक परम सत्य का ही रूप है, वह स्वयं ही ज्योति स्वरूप एवं तरुण है, वह स्वयं ही विकट जटाधारी एवं विकराल स्वरूप वाला है और उसकी कोई रूप रेखा नहीं है, वेदों एवं कुरान ने भी परमात्मा जी का भेद नहीं समझा और उसका कोई माता पिता पुत्र एवं भाई नहीं है, वह सब पर्वतों को बनाकर खुद में ही वलीन कर लेता है और उस अलख को देखा नहीं जा सकता, मैं अनेक मित्र बनाकर थक गया हूँ मगर कोई भी मेरे अवगुण काटने वाला नहीं, देवताओं मनुष्यों एवं योगियों सबका मालिक केवल ईश्वर है, वह भक्ति भाव से ही मिलता है और फिर भय दूर हो जाता है, पथ भ्रष्ट जीव को स्वयं ही सही रास्ता बताता है, वह स्वयं ही भुला देता है और स्वयं ही सत्य का ज्ञान देता है, तेरे नाम के बिना मुझे कोई सहारा नजर नहीं आता और तेरी गति एवं मर्यादा नाम द्वारा ही प्राप्त होती है, गंगा यमुना वृंदावन केदारनाथ काशी मथुरा द्वारिकापुरी गंगा सागर और त्रिवेणी संगम इत्यादि 68 तीर्थ ईश्वर के स्वरूप में ही लीन बने हुए हैं, वह स्वयं ही सिद्धि साधक एवं विचार करने वाला विद्वान है, पंचों की सभा में वह स्वयं ही राजा है, प्रभु स्वयं ही न्यायाधीश बनकर सिंहासन पर विराजमान होता है और उसकी कृपा से ब्रह्म संशय भेद एवं भय दूर हो जाता है, काजी एवं मुल्ला वह स्वयं ही है, वह अविस्मरणीय है और कभी भूला नहीं है, वह दाता बड़ा मेहरबान एवं दयालु है और उसका किसी से कोई बैर नहीं, जिस पर कृपा करता है उसे ही यश प्रदान करता है, वह सबका दाता है जिसे तिल भर किसी बात का कोई लोभ नहीं, गुप्त एवं प्रगट रूप में सब स्थानों पर वह शुद्ध रूप में सर्वव्यापक हो रहा है, अगम्य अपार ईश्वर की क्या प्रशंसा करूं, परम सत्य सृजनहार जिस पर करुणा दृष्टि करता है उसे साथ मिला लेता है, मिलाने वाला वही है, ब्रह्मा जी विष्णु जी एवं शिव शंकर जी भी अलख अपार परमात्मा जी के द्वार पर खड़े उसकी सेवा में लीन है और कितनी ही सृष्टि उसके द्वार पर फरियाद कर रही है परंतु उनकी गणना करना संभव नहीं है,
उसकी वाणी एवं कीर्ति सदैव सत्य है और वेदों पुराणों में भी सत्य की स्तुति के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। परमात्मा जी का नाम ही मेरी जीवन पूंजी है, उसका ही गुणगान करता हूँ और उसके अलावा मेरा अन्य कोई अवलंब नहीं।